हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीसेट योर डिवाइस, यानी कि इस फ़ोन को पूरी तरह से रीसेट कैसे करें। फ़ोन रीसेट मारने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन में जितने सारे फ़ोटो, वीडियो, जीमेल अकाउंट, इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है। मोबाइल को रीसेट करने से पहले उन सभी डेटा का बैकअप ले लीजिए, क्योंकि रीसेट करने के बाद सारे डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस मोबाइल को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करेंगे फैक्ट्री, फिर आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन आएगा। इस पर क्लिक करके आप सीधा फ़ोन रीसेट ऑप्शन में जा सकते हैं, या तो फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ अबाउट फ़ोन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, बैकअप एंड रिस्टोर और फैक्ट्री रीसेट। बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करके SMS, कॉन्टैक्ट, कॉल हिस्ट्री, सिस्टम ऐप और थर्ड पार्टी ऐप्स का बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट से आप अपना डिवाइस को फॉर्मेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट के अंदर आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने फ़ोन से सभी इंपॉर्टेंट डेटा बैकअप ले लिया है। आप इरेज और डेटा पर क्लिक करेंगे। फ़ोन फॉर्मेट करने से पहले लॉक स्क्रीन का पासवर्ड एंटर करना होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बैकअप आइटम फास्ट। अगर आपने इस फ़ोन पे कुछ बैकअप लिया है तो उस डेटा को दूसरा किसी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लीजिए, नहीं तो सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आपका फ़ोन फॉर्मेट होने जा रहा है। यहाँ 10 सेकंड का टाइमर ख़त्म होते ही नेक्स्ट दबाना है। फिर आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि आपने सभी डेटा का बैकअप लिया है। इसके बाद 10 सेकंड का टाइमर ख़त्म होते ही ओके कर देना है। फिर आपका डिवाइस रीसेट होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपका डिवाइस पूरी तरह से रीसेट ना हो जाए, तब तक आप इस डिवाइस को चालू या बंद करने का कोशिश ना करें। डिवाइस फॉर्मेट होने में थोड़ा समय लग सकते हैं, तब तक आप यह इंतज़ार कीजिए। इसके बाद ये ऑटोमेटिक बूट हो जाएगा। यह पे MIUI 13 का लोगो आ चुका है। आप इस डिवाइस को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।